हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एलटेक लांसिंग कंपनी के मल्टीमीडिया डीजे स्पीकर का। और इस स्पीकर का मॉडल है ALDJ01। इस स्पीकर की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए मल्टीमीडिया डीजे स्पीकर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पे प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। और बॉक्स के फ्रंट पे आप देख सकते हैं रॉक द वर्ल्ड स्टनर ALDJ01 मल्टीमीडिया डीजे स्पीकर। इस स्पीकर में प्रोवाइड की गई है USB कनेक्टिविटी, ऑक्स प्ले, FM रेडियो, BT कनेक्टिविटी एंड इक्वलाइजर भी दिया गया है इसके साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड बिल्ट इन माइक्रोफोन भी प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखी जा सकती है स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस। RMS पावर आप देख सकते हैं 50 वॉट्स का है। एंड प्रोडक्ट की साइज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ब्लूटूथ वर्सन 5 यूज़ किया गया है। BT रेंज इज 10 मीटर्स। केस मटेरियल ABS बॉडी प्रोवाइड की गई है, ABS एंड MDF बॉडी है। और साथ में देखी जा सकती है कुछ अदर डिटेल्स। और इस प्रोडक्ट की MRP है 11,199 रुपीज़। और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आइए क्विकली करते हैं प्रोडक्ट को अनबॉक्स और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी को। अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये है एलटेक लांसिंग मल्टीमीडिया डीजे स्पीकर का फर्स्ट इम्प्रेशन। और साथ में हम मिलता है एक ऑक्स केबल और रेडियो के लिए एरियल प्रोवाइड किया गया जिसे कनेक्ट करके इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और ये है इसका यूज़र मैनुअल। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आप इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। यह आपको हेल्प करेगी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को जानने में और इसे कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में प्रोवाइड की गई है। आइए अब इस प्रोडक्ट को सारे साइड से क्लोजली देख लेते हैं। ये है इसका फ्रंट व्यू और देखने में एक अच्छी क्वालिटी का स्पीकर दिख रहा है। और ये इसकी बैक साइड और यहाँ पे आप एरियल को कुछ इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है, कुछ इस तरह से आप इसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। और LED डिस्प्ले को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं दो माइक की इनपुट दी गई, माइक 1 एंड माइक 2। एंड यहाँ पे ऑक्स इन देख सकते हैं, उसके बगल में USB पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे दी गई है मल्टीपल बटन्स, इक्वलाइज़र, कुछ इस तरह से आप साउंड क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। एंड माइक वॉल्यूम को ज़्यादा कम करने के लिए, इको के लिए आप यहाँ से इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। माइक वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। एंड इस स्पीकर के वॉल्यूम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
यह इसका पावर बटन, उसके ऊपर म्यूट बटन देख सकते हैं, और फिर फोल्डर बटन और मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। कंट्रोलर दिया गया है, सोर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बीटी के लिए एक एक्स्ट्रा बटन है, और मीडिया फाइल्स के लिए आप देख सकते हैं मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं, और एक्स्ट्रा बेस के लिए आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं, रेड वाली बटन को। सो ओवरऑल इसकी कंट्रोलर मुझे अच्छी दिख रही है और देखने में अट्रैक्टिव है। तो चलिए क्विकली इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। ऑन करने के बाद मैं इसे बीटी से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। बीटी को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें, और पेयर करने के बाद आप अपने मोबाइल से मीडिया फाइल कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी एलटेक लांसिंग कंपनी के मल्टीमीडिया डीजे स्पीकर AL-DJ-01 की अनबॉक्सिंग एंड डेमोस्ट्रेशन की वीडियो। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।